नमस्कार, स्वागत है आपका ईएन हिंदी पर। आज है 31 जनवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, आज कोविड बंदिशों पर हो सकता है फैसला। कॉलेज स्कूल खोलने पर भी होगी चर्चा। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी देंगे प्रस्तुति। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके तहत राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर लगी बंदिशों को जारी रखा जाएगा या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में भी बड़ी कक्षों के लिए स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है। कॉलेजों में 5 फरवरी तक अवकाश है, ऐसे में सरकार 6 फरवरी से कॉलेजों के साथ ही स्कूलों को खोलने पर विचार कर सकती है। इस संबंध में प्रधान शिक्षा सचिव की तरफ से प्रस्तुति दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा बजट सत्र की तिथि पर भी मोहर लग सकती है। माना जा रहा है कि 21 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो सकता है और मार्च माह के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री वित्तीय वर्ष 2022-23 को लेकर बजट पेश कर सकती है। सरकारी कार्यालयों में अब 7% स्टाफ को बुलाने का निर्णय लिए जाने की भी संभावना है। इसके साथ ही 5-day वीक को जारी रखने या नहीं, इस पर भी चर्चा होगी। प्रधान सचिव स्वास्थ्य कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुति देंगे, जिसके आधार पर बंदी से हटाने या बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में टीकाकरण अभियान की भी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर की गई घोषणाओं को भी मंत्रिमंडल स्वीकृति प्रदान करेगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने एवं सृजित करने का निर्णय लिया जा सकता है। कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े मसले पर भी निर्णय हो सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप संस्थानों को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिए जाने की संभावना है। हिमाचल में कोरोना से 9 लोगों की मौत, 819 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से मौतों व संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से रविवार को 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 819 नए संक्रमित मामले आए हैं। कोरोना से कांगड़ा जिले में 60 व 70 साल के व्यक्ति, कुल्लू में 60 साल के व्यक्ति, शिमला में 65 साल की महिला, 70, 40 व 80 साल के व्यक्ति, सोलन में 56 साल के व्यक्ति, चंबा में 60 साल की महिला की मौत हुई है। वहीं नया संक्रमितों में बिलासपुर के स्थान हुए चंबा के 42, हमीरपुर के 108, कांगड़ा के 148, किन्नौर के 2, कुल्लू के 19, मंडी के 76, शिमला के 54, सिरमौर के 80, सोलन के 107 व ऊना के 86 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन के अंदर 779 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। हिमाचल में फिर बिगड़ने वाले मौसम के मिजाज, 3 फरवरी को भारी बारिश, बर्फबारी का येलो अलर्ट। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम के मिजाज बिगड़ने वाले हैं और प्रदेश में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में 2 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश बर्फबारी का दौर शुरू होगा। 3 फरवरी को मैदानी भागों में गरज के साथ बारिश व ओलावृष्टि होगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में 31 जनवरी को भी बारिश बर्फबारी की संभावना है, जबकि 1 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की आशंका के चलते पर्यटकों को पर्वतीय क्षेत्रों में सावधानी पूर्वक यात्रा करने की सलाह दी है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया कि 2 व 3 फरवरी को पूरे प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। कुलदीप राठौर बोले, पेगासस जासूसी मामले में नए खुलासे के बाद खोली केंद्र सरकार के झूठ की पोल। पेगासस जासूसी मामले में नए खुलासे के बाद केंद्र सरकार के झूठ की पोल खुल गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने रविवार को ये बात कही है। उन्होंने राजीव भवन में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उच्चतम न्यायालय को नई रिपोर्ट पर स्वयं संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। पेगासस जासूसी से जुड़े विपक्ष के बड़े नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों, सुरक्षा एजेंसियों, जजों, पत्रकारों व कुछ बड़े उद्योगपतियों के फोन हैक करते हुए उनकी जासूसी करने का पुख्ता प्रमाण देश के सामने आ गया है। राठौर ने कहा कि इस जासूसी कांड के लिए प्रधानमंत्री दोषी है और ये पूरी तरह से देशद्रोह का मामला बनता है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जहां सत्ता में बैठी सरकार ने लोकतंत्र का हनन करते हुए जासूसी के लिए पेगासस यंत्र को खरीदा हो। राठौर ने कहा कि पेगासस से देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश की गई है। मोदी सरकार ने इस मामले में देश की संसद व उच्चतम न्यायालय को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया है। अब जबकि प्रकाशित रिपोर्ट के बाद सच्चाई देश के सामने आ गई है, ऐसे में केंद्र सरकार जासूसी के गुनाह से नहीं बच सकती है। खबर कर्मचारी चाइना योग हमीरपुर से मुख्य सचिव से जीओए के टाइपिंग टेस्ट में दृष्टि बाधितों के साथ भेदभाव की शिकायत। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चाइना योग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए दृष्टि बाधित उम्मीदवारों को सामान्य कंप्यूटर पर टाइप टेस्ट देने पर मजबूर कर रहे हैं।
जबकि उन्हें टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पुणे एवं श्रवण बाधित उम्मीदवारों को आयोग टाइप टेस्ट से छूट भी नहीं दे रहा है। राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने मुख्य सचिव को इस बारे में शिकायत भेजकर तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा है। उनका कहना है कि दृष्टि बाधित उम्मीदवारों को बिना टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर पर टाइप टेस्ट देने के लिए मजबूर करना गलत है। ये विकलांगजन अधिकार कानून 2016 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन और गंभीर किस्म का भेदभाव है। सस्ते राशन के डिपो में दालें महंगी, फरवरी में 16 रुपए सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। सस्ते राशन के डिपो में फरवरी माह में दालें महंगी और सरसों का तेल सस्ता मिलेगा। उपभोक्ताओं को सरसों का तेल APL और NFSA को 16 रुपए और APLT को 18 रुपए सस्ता मिलेगा। डिपो में फरवरी महीने का राशन पहुंचने लग गया है। वहीं नए दाम भी सामने आए। फरवरी महीने में NFSA को सरसों का तेल 131 रुपए, APL को 151 रुपए और APLT को 175 रुपए मिलेगा। सरसों के तेल के दामों में सरकार ने कटौती की है जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, लेकिन फरवरी महीने में डिपो में दालें महंगी हो गई है। मलका दाल के दाम में 19 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। फरवरी महीने में NFSA को मलका 65 रुपए, APL में 75 रुपए और APLT को 99 रुपए में मिलेगी। तीन मेडिकल कॉलेजों को मिलेगी स्पेशल ग्रांट, CM बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष उठाए हिमाचल के मुद्दे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में तीन मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार से ग्रांट मिलेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास कार्य को लेकर DPR बन चुकी है, इन कॉलेजों के लिए केंद्र से बजट मांगा गया है। पिछले दिनों दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है और उन्होंने राज्य की तमाम मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। देश के विकास के लिए हम केंद्र से ज्यादा मदद ला सके, ऐसा हमारा प्रयत्न हमेशा रहता है और अब की बार भी हमने उसी दिशा में प्रयत्न किया है कि, और मुझे इस बात की खुशी है कि हेल्थ सेक्टर में जहां हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिससे बातचीत की है, मुलाकात की है, उसमें बहुत सार्थक परिणाम उसी दिन आ गए हैं। हमको एम्बुलेंसेस की स्वीकृति और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर्स के कुछ एक नंबर और जो है भरने की अनुमति, और इसके अतिरिक्त जो हमारे तीन मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके लिए हमारी DPR बन करके जो है वो जिसमें पैसा केंद्र ने दे दिया है, उसमें और पैसे की हमने मांग की है। रेलवे से संबंधित भी हमने बातचीत की है, उसके साथ साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने वित्त मंत्री जी से बातचीत की है, उसमें हमने यही कहा कि हमको जो है स्पेशल ग्रांट के नाते जो हिमाचल प्रदेश को और भी मदद करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप बोले प्रधानमंत्री मोदी 2 फरवरी को भाजपा वर्करों से करेंगे संवाद, बजट पर भी करेंगे बात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब, वंचित, पीड़ित एवं किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित है। सुरेश कश्यप ने कहा कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर देश अग्रसर है। हमारे लिए ये गर्व का विषय कि प्रधानमंत्री तथा 11 बजे 2 फरवरी को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। खबर बिजली बोर्ड से उपभोक्ता बताए बिल कैसे बनाए, विद्युत नियामक आयोग ने नई दरों पर 17 फरवरी तक मांगे सुझाव। हिमाचल में बिजली की नई दरें अब उपभोक्ताओं के सुझाव पर लागू होगी। विद्युत नियामक आयोग ने इसके लिए 17 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं। बिजली बोर्ड दरों में बढ़ोतरी करने के पक्ष में है और अब इस मामले की सुनवाई नियामक आयोग में चल रही है। ये सुझाव 17 फरवरी तक दिए जा सकते हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग साल 2022-23 के लिए बिजली दरें तय करने से पहले लोगों से राय लेना चाहते हैं और इसी कड़ी में ये कदम उठाया गया है। इस बारे में 8 मार्च को सुनवाई होगी। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सुझाव आपत्तियां दी जा सकती है। सुझाव आपत्तियों का बिजली बोर्ड 17 अप्रैल तक जवाब भेजेगा। बोर्ड के जवाब से असंतुष्ट लोग 23 अप्रैल तक दोबारा बात रख सकेंगे। बड़ी खबर, लाखों की धोखाधड़ी पर हिमाचल की पूर्व क्रिकेटर महिला गिरफ्तार। हिमाचल की पूर्व महिला क्रिकेटर को लाखों की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जिला कांगड़ा में ये सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें गुजरात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कांगड़ा जिले के रानीताल से संबंध रखने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी को गुजरात पुलिस ने 27 लाख की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी खिलाड़ी को देहरा न्यायालय में पेश कर उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। रानीताल निवासी इस पूर्व खिलाड़ी के खिलाफ गुजरात में एक युवा क्रिकेटर ने शिकायत दर्ज करवाई थी।
उसने आरोप लगाया था कि उसे रणजी ट्रॉफी का हिस्सा बनाने का लालच देकर पैसे लिए गए, लेकिन पैसे लेने के बाद भी उसे रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उसने इसकी शिकायत पुलिस को की। युवा क्रिकेटर की शिकायत पर गुजरात पुलिस ने महिला खिलाड़ी के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल में बर्फबारी से 2 अरब की चपत, लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 1.25 अरब का नुकसान। बर्फबारी की वजह से हुआ नुकसान 2 अरब तक पहुंच गया है। इसमें सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। लोक निर्माण विभाग ने अब तक सामने आई रिपोर्ट में 1.25 अरब के नुकसान की बात कही है, जबकि जल शक्ति विभाग को 63 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसी तरह बर्फबारी की वजह से बिजली बोर्ड को अब तक करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस दौरान प्रदेश भर में 4 पक्के घर और 16 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 5 पक्के और 63 कच्चे घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। शिमला में सबसे अधिक नुकसान का आकलन किया गया है। इन घरों के मालिकों को भी सरकार की तरफ से मुआवजा राशि मुहैया करवाई गई है। लोक निर्माण विभाग को हुए नुकसान की रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में अब 1 अरब 15 लाख रुपए के नुकसान की बात कही गई है। प्रदेश भर में बर्फबारी की वजह से 1500 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई थी। इन सड़कों को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रयास किया है। विभाग ने अब तक 90% सड़कों को दोबारा से यातायात के लिए बहाल कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, केंद्र के समक्ष उठाए प्रदेश के विकास से जुड़े मसले, ज्यादा से ज्यादा मदद लाने की हमेशा रहे प्रयास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उनके दिल्ली प्रवास को केंद्र के बजट से जोड़ना उचित नहीं है। प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों को लेकर भी समय समय पर दिल्ली जाते हैं। ऐसे में बीते दिनों 1 दिवसीय दिल्ली प्रवास पर गए थे। इस दौरान 5 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की गई। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात हुई। रविवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से ज्यादा मदद लाने की हमेशा प्रयास रहती है। हमारे प्रवास को केंद्र के बजट के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा। हमारे बहुत जो रूटीन के इश्यूज हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के, जो उनको एक्सपेडाइट करने के लिए जाते हैं हम केंद्र में, और मैं गया एक दिन के लिए गया और उसमें 5 केंद्रीय मंत्री जी से मिलना हुआ और संयोग हुआ कि मुझे उस दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात का समय मिल गया। शाम को हम उनके साथ भी बैठे, तो प्रदेश के विकास के लिए हम केंद्र से ज़्यादा मदद ला सकें, ऐसा हमारा प्रयत्न हमेशा रहता है। और अब की बार भी हमने उसी दिशा में प्रयत्न किया है कि, और मुझे इस बात की खुशी है कि हेल्थ सेक्टर में जहां हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिससे बातचीत की है, मुलाकात की है, उसमें बहुत सार्थक परिणाम उसी दिन आ गए हैं। उनको एम्बुलेंसिस की स्वीकृति और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर्स के कुछ एक नंबर और जो है बनने की अनुमति, और इसके अतिरिक्त जो हमारे 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके लिए हमारी DPR बन करके जो है वो जिसमें पैसा केंद्र ने दे दिया है, उसमें और पैसे की हमने मांग की है। रेलवे से संबंधित भी हमने बातचीत की है, उसके साथ साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने वित्त मंत्री जी से बातचीत की है। उसमें हमने यही कहा कि हमको जो है स्पेशल ग्रांट के नाते जो हिमाचल प्रदेश को और भी मदद करें। जहरीली शराब मामला, मेडिकल स्टोर के बाहर लिख के GST नंबर से मंगा लिया हजारों लीटर एथाइल अल्कोहल। शराब बनाने में प्रयोग होने वाले एथाइल अल्कोहल को महाराष्ट्र की एक फर्म से दूसरे के GST नंबर के माध्यम से मंगवाया गया। जहरीली शराब मामले को लेकर जांच मालिक तक पहुंची, तब पता चला कि मेडिकल स्टोर के बाहर लिखे GST नंबर के माध्यम से एथाइल अल्कोहल मंगाया गया है। रंगस में मेडिकल स्टोर संचालक स्वरूप चंद ने बताया कि जहरीली शराब मामले को लेकर उन्हें सूचना दी गई कि पुलिस थाना सुंदरनगर में हाजिर होना है। वे दूसरे ही दिन थाने पहुंचे तो पता चला कि उनके मेडिकल स्टोर रंगस के GST नंबर पर एथाइल अल्कोहल मंगाया जाता था, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। स्वरूप चंद ने पुलिस को इस पर अपना बयान दिया और GST नंबर के दुरुपयोग होने की शिकायत भी दर्ज करवाई है। इसके अलावा संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं अबकारी के पास भी शिकायत की है। कुल्लू में विस्फोट मामला, जांच के लिए पहुंची केंद्रीय जांच एजेंसियां, 20 लोगों से की पूछताछ। जरी में शुक्रवार रात को एक खाड़ी टैक्सी में विस्फोट के मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियां पार्वती घाटी पहुंच चुकी है। रविवार को NIA के साथ NSGIB के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर साक्ष्य जुटाए हैं। सभी जांच एजेंसियों में 3 से 4 अधिकारी शामिल है। जांच टीम ने विस्फोट से क्षतिग्रस्त हुई कार के साथ गड्ढे वाली जगह से मिट्टी के सैंपल लिए।
कार मालिक समेत जरीब आसपास के 20 लोगों से पूछताछ कर बयान भी दर्ज किए गए हैं। पूछताछ में कार मालिक ने बताया कि उनकी गाड़ी 2 माह से खड़ी थी। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरदेव शर्मा ने कहा कि तीनों केंद्रीय जांच एजेंसी कुल्लू में और सोमवार को फिर से घटनास्थल का दौरा कर सकती है।